जी टीवी के सीरियल शिव शक्ति में घर में पहुंच गया है रंजन। असल में शिव की याददाश्त चली गई है और ऐसे में रंजन को देखने के बावजूद भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। हाँ यार, मेरी तो फट गई थी, बिकॉज रघुनाथ जी अगर कमलनाथ जी ने अगर अप्रूव कर दिया कि हाँ यही वो ये रंजन यही है कि इसने हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में लड़कियों को छेड़ा था, तो यही वो है हरामी एक नंबर का, तो उनको सब राज बाहर आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा एंड गोल क्या है। तो वो शिव को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं अब तक बचा हुआ हूँ। सो जो दिन प्रूफ मिल गया वो दिन मेरा गेम ओवर है। वैसे ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि शिव की सौतेली माँ का है, जो नहीं चाहती कि शिव और शक्ति एक हो जाएं, इसलिए वो घर में रंजन को ले आई है। मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ अपने साथ जिससे कि शिव को अपनी पुरानी यादें, कुछ कुछ बुरी यादें से जुड़ी है जो चीज़, और जिससे फिर उसको पैनिक आएगा, अटैक आएगा, जिससे मैं ये चाहती हूँ कि शिव और शक्ति अलग हो जाए। सो मेरा ये प्लान है और इसीलिए मैं उस चीज़ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, पर कीर्तन बार बार उसे खो रहा था, तो फाइनली मुझे पता चला कि पद्मा ने चुरा लिया था, तो मैंने वापस ले लिया उससे। तो पद्मा को तो मैं अपनी मुट्ठी में रखती हूँ ना, इसीलिए बात यही है। हाँ, क्योंकि रंजन को निकाला गया था हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी से, मैंने खुद ही निकाला था उसे, बिकॉज वो बहुत लीचड़ किस्म का आदमी था। सो अभी क्योंकि शिव को तो कुछ याद है नहीं, पर जो मेरे हस्बैंड बने हैं और जो रघुनाथ बने हैं मेरे जेठ, उनको तो पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रंजन अपना चेहरा उनको ना दिखाए, ताकि वो ये बात ना बता दे मनोरमा और सबकी फैमिली को। जी, सब आमने सामने आ गए हैं, ये फ्रीज है, तो डिफ्रीज तो मुझे भी नहीं पता क्या है। नहीं नहीं, मेरी तो हमेशा एक प्लानिंग थोड़ी, मैं तो अष्टभुजा जैसी, मतलब इतने सारे प्लान्स एक साथ लेके घूमती हूँ। देखिए क्या है, मतलब मज़ा तो आएगा फॉर श्योर, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो आप देखिए जी, ये पूरा सीक्वेंस वाली नेट साड़ी है, साथ में एज यूजुअल मंदिरा हमेशा डायमंड्स ही पहनती है, सो डायमंड का नेकलेस ये सब। हाँ, बेसिकली मंदिरा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं पहनती है, वो थोड़ी आप बता सकते हैं लाइट और क्लासी और सिंपल मिनिमलिस्ट किस्म की है। मन से तो सिंपल है नहीं, पर दिखाने में, मतलब वो सिंपल है येट ट्रेडिशनल है वैसे। तो अब यहाँ एक्चुअली ये चल रहा है कि पहले मैं उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आगे के एपिसोड में आप लोग देखोगे जो भी रिजल्ट आएगा, बट बिकॉज ऑफ दैट ये सब ड्रामा हो रहा है, तो वो मुझे दबा रहा है क्योंकि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की तो उसे बहुत पीटा, जैसे आप लोग ने देखा होगा। तो अब ये हो रहा है कि मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी सक्सेसफुल होता हूँ, कभी कभी अनसक्सेसफुल होता हूँ। तो अभी बहुत लोग हैं उसके, मैं रघुनाथ और कमलनाथ जी के सामने आना नहीं चाहता, बिकॉज मैं उनके फार्मा कंपनी में काम करता था, तो मैंने लड़कियां छेड़ी थी कंपनी में, तो उन्होंने मुझे मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया था। तो वो उनको याद है, लेकिन शिव की मेंटल हेल्थ की वजह से उसे याद नहीं है। तो कभी कभी फ्लैशबैक आता है, लेकिन एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर नहीं आता कि रंजन है कौन। तो उसे पता चल गया कि कमलनाथ जी और रघुनाथ जी को पता है, कुछ तो कनेक्शन है, तो वही इसलिए बिकॉज ऑफ दैट वो मुझे ड्रैग कर रहे हैं कि मेरे चाचू और मेरे पापा के सामने आ जाओ, फैमिली की तरह रहो, और वो पूरा अवतार उसका चेंज कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू बिकम माई फ्रेंड नाउ। सो इट इज़ अ टोटल डिफरेंट स्वॉप, ही स्वॉप्ड द रोल एंड नाउ ही इज़ माई फ्रेंड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ओपन एवरी थिंग, ऑल द सिनारियोज, तो वही चल रहा है अभी तो। हाँ, बिकॉज मेरे बॉस तो मंदिरा जी है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भी चाहिए कि शिव डिस्ट्रॉय हो जाए एज अ पर्सन, तो वो उन मेंटल हेल्थ का फ़ायदा उठा के और भी कुछ कर रहे हैं हम आगे, तो यही सब है। उनका प्लान भी फेल होने जा रहा है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट शी इज़ ट्रॉमेटाइज राइट नाउ, वो एकदम टेंशन में है। सो या वही, वो सब टेंशन में बहुत है अभी। इस बार तो बच जाऊँगा, मैं हमेशा बचता रहूँगा, लेकिन क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ, जो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है बट वो सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तो आगे मैं यही कोशिश करूँगा कि प्लान जो भी कर रहा हूँ मैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। हुआ तो वेल एंड गुड एंड नॉट, तो वो आपको पता तो चल ही जाएगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा विलन टाइप लुक है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, एकदम आर्टिस्टिक मेरे लिए अलग स्टिच होते हैं, बिकॉज बॉडी बॉडी है तो, बट या गुड आउटफिट, आई रियली लाइक इट, कम्फर्टेबल। हाँ, मेहंदी का है तो ज़रा कलर थोड़ा ब्राउनिश है, पीचिश है, और फ्लोरल है, वो थीम है एक्चुअली फ्लोरल, तो बिकॉज ऑफ दैट आई गेस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें और हाँ अपना कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और हाँ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, और यहाँ लेकर आते हैं हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।